ऑप्टिमाइज देखो क्या क्या देख रहे थे हम। हमारी अर्थ कौन सा चैप्टर शुरू कर रहे हैं आज हम? चैप्टर फोर्थ है। क्या नाम है? मेजर डोमेन्स ऑफ अर्थ, जो हमारे पृथ्वी के मुख्य भाग हैं। इसके पार्ट्स कौन कौन से हैं उनके बारे में पढ़ेंगे हम। इसमें क्या क्या चीजें स्टडी करनी है हमें? लिथोस्फियर, कॉन्टिनेंट्स, हाइड्रोस्फियर, एटमोस्फियर और बायोस्फीयर। ठीक है, ये सारी चीजों के बारे में स्टडी करेंगे हम इसमें। तो देखो चैप्टर शुरू करते हैं। इसमें है सिर्फ द अर्थ इज ओनली प्लेनेट वेयर लाइफ एग्जिस्ट। यूं कह रहे हैं हमारी धरती सिर्फ एक ऐसा ग्रह है जहाँ पे जीवन संभव हो सकता है। और लाइफ सस्टेनिंग एलिमेंट सच एज लैंड, वाटर एंड एयर आर फाउंड ऑन द अर्थ। जितनी भी जो जीवन जीने के लिए जरूरी साधन होते हैं, जैसे जमीन है, पानी है, हवा है, ये सारी चीजें हमें धरती पे ही मिलती हैं। द अर्थ हैज फोर एलिमेंट्स, जो हमारे पृथ्वी के चार मुख्य घटक कौन कौन से हैं? लिथोस्फेयर, हाइड्रोस्फेयर, एटमोस्फेयर और बायोस्फेयर। अरे लिथोस्फेयर किसको कहते हैं? जो सॉलिड पोर्शन होता है अर्थ का, मतलब जो सॉलिड भाग होता है हमारी धरती का, उसको क्या कहते हैं? लिथोस्फेयर कहते हैं। इसके बाद आता है हाइड्रोस्फेयर। हाइड्रोस्फेयर में जितने भी पानी की फॉर्म्स आती हैं, जैसे कि पानी आइस की फॉर्म में है या फिर गैसियस फॉर्म में है या फिर लिक्विड फॉर्म में है, वो सारी हाइड्रोस्फीयर में आती हैं। इसके बाद एटमोस्फियर। एटमोस्फियर में क्या क्या होती हैं? जो गैस गैस की जितनी भी लेयर होती हैं, जो हमारे पृथ्वी के चारों ओर होती हैं, वो एटमोस्फियर में आती हैं। वी फाइंड लैंड, वाटर एंड एयर टुगेदर इन द बायोस्फियर। और हमें सारी चीजें इकट्ठी किसमें मिलती हैं? अब देखो लैंड कौन सा पार्ट था? लिथोस्फेयर था, वाटर लिथोस्फीयर हाइड्रोस्फेयर और हाँ क्या आवाज क्लियर नहीं आ रही? लिथोस्फेयर मतलब जैसे जहां पे धरती पे हम स्थल मंडल होता है, जैसे जिसमें जमीन आती है, ये हम जैसे जमीन का प्रयोग करते हैं, स्थल मंडल होता है, इसको जमीन के लिए रिप्रेजेंट करते हैं, वो होता है लिथोस्फेयर। हाइड्रोस्फेयर मतलब जल मंडल होता है, एटमोस्फेयर मतलब वायुमंडल होता है, और जो सारी चीजों को मिलके बनाते हैं उसको क्या बोलते हैं? बायोस्फेयर मतलब जैव मंडल बोलते हैं। ठीक है, तो जैव मंडल में क्या क्या चीजें आ गई? जमीन भी आ गई, पानी भी आ गया और हवा भी आ गई। तो सारी चीजों से जो मिलके बनता है उसको क्या बोलते हैं? हम बायोस्फीयर बोलते हैं। अब इसके बाद देखो हम लिथोस्फीयर के बारे में पढ़ेंगे। द सरफेस ऑफ अर्थ इज मेड अप ऑफ लैंड एंड वाटर। जो हमारी धरती की सतह होती है, वो उसमें क्या क्या चीजें होती है? जमीन होती है और पानी होती है हमारी धरती पे। लैंड कवर्स अबाउट 29% ऑफ वाटर, अबाउट 71% ऑफ अर्थ सरफेस। यू कह रहे हैं कि लैंड कवर्स अबाउट 29% ऑफ वाटर एंड वाटर अबाउट 71% ऑफ अर्थ सरफेस। अगर जो हमारी जमीन है वो तो धरती का कितना परसेंट भाग होती है? 29%। और जो पानी है वो अर्थ सरफेस पे कितना परसेंट होता है? 71% जगह पे पानी पाया जाता है। द सॉलिड आउटर लेयर ऑफ अर्थ ऑन विच वी लिव कंसिस्ट ऑफ रॉक्स एंड मिनरल्स। जो कठोर सतह होती है ना, जहाँ पे जिस पे हम रहते हैं, उसपे क्या क्या मिलते हैं? चट्टाने मिलती हैं, मिनरल्स मिलते हैं। दिस लेयर इज कॉल्ड लिथोस्फेयर। इस लेयर को हम क्या कहते हैं? लिथोस्फेयर कहते हैं। द ग्रीक वर्ड लिथोस मीन्स रॉक्स। लिथो मतलब ये सारा जो हमारा लिथोस्फेयर है वो किससे मिलके बना होता है? चट्टानों से मिलके बना होता है। तो इसको ये पैन मच्छेड़ो कौन कर रहा है इसको? तो लिथोस का मतलब क्या होता है? रॉक मतलब जो चट्टानों से मिलके बना हुआ होता है वो, उसको क्या कहते हैं? हम लिथोस्फेयर कहते हैं। ठीक है, अब देखो ये डायग्राम दे रखा है। इसमें ये है देखो अपर मेंटल, जो हमारे हमने पीछे वाले चैप्टर्स में पढ़े थे ना, अर्थ की लेयर कौन कौन सी है? क्रस्ट, मेंटल कोर, तो अपर मेंटल लेयर होगी। इसके बाद देखो ये कॉन्टिनेंट है, ये अपर मेंटल है, एटमोस्फेयर है, एटमोस्फियर है,
तो ये सारे इसके डायग्राम दे रखे हैं, इसमें कौन कौन सी चीजें आती हैं। द लिथोस्फीयर इंक्लूड्स ऑल टाइप ऑफ लैंड मास, मतलब कि जिन जगह पे धरती है वो सारी चीजें किसके अंदर अंडर आती हैं, लिथोस्फीयर में आती हैं। द लार्ज लैंड मासेज आर कॉल्ड कॉन्टिनेंट्स, जो बड़े बड़े जगह के टुकड़े होते हैं, मतलब जैसे मान लिया कि पूरा जैसे बड़े बड़े शहर होते हैं या फिर जितने भी जगह होती है उन सब वो क्या बोलते हैं, महाद्वीप बोलते हैं, कॉन्टिनेंट्स बोलते हैं। वाइल द लार्ज वाटर बॉडीज दैट सराउंड द कॉन्टिनेंट्स आर कॉल्ड ओशियंस। ए पेंसिल मछेड़ो, कौन का कौन सा बच्चा कर रहा है, बार बार में मना कर दिया ना एक बार, आपको नहीं छेड़ना इसको। लार्ज लैंड मासेस आर कॉल्ड कॉन्टिनेंट्स, उनको क्या कहते हैं, महाद्वीप कहते हैं। वाइल द लार्ज वाटर बॉडीज दैट सराउंड द कॉन्टिनेंट्स आर कॉल्ड ओशियंस, और जो उसके चारों ओर जितने पानी की जगह पाई जाती है वो क्या कहते हैं, ओशियन, मतलब समुन्द्र, महासागर ये कहते हैं। देखो इसके बाद आता है द अपर मोस्ट लेयर ऑफ द लिथोस्फेयर इज कॉल्ड क्रस्ट, जो सबसे ऊपरी सतह होती है ना लिथोस्फेयर की, उसको हम क्या बोलते हैं, क्रस्ट बोलते हैं। इट इज ऑल्सो कॉल्ड द कॉन्टिनेंटल क्रस्ट, इसको कॉन्टिनेंटल क्रस्ट मतलब महाद्वीप का क्रस्ट भी बोलते हैं। दिस क्रस्ट इज मेड अप ऑफ सेल, ये किससे बना होता है, सेल से बना होता है, जिसमें क्या क्या आता है, जैसे सिलिकॉन और एल्यूमिनियम, चट्टानों से मिलके बना होता है, जिसमें क्या क्या आते हैं, सिलिकॉन और एल्यूमिनियम बहुत ज्यादा मात्रा में होते हैं। ये क्या होते हैं, दोनों सिलिकॉन और एल्यूमिनियम मेटल्स होते हैं। इट्स थिकनेस वेरीज बिटवीन 10 to 75 किलोमीटर, विद एवरेज थिकनेस ऑफ अबाउट 35 किलोमीटर। इसकी चोट इसकी कितना मोटा होता है, इसकी थिकनेस होती है 10 से 75 किलोमीटर के बीच में होती है, और इसकी एवरेज थिकनेस मतलब इसकी एवरेज निकालते हैं, औसत निकालते हैं, तो वो कितना है, 35 किलोमीटर का औसत है। इट इज थिकर अंडर द माउंटेन, और जो जैसे पर्वत होते हैं, पहाड़ होते हैं, उनके नीचे ये सतह पतली पाई जाती है। द ओशियनिक क्रस्ट इज द लोअर क्रस्ट, जो समुद्र में जो जैसे जमीन का भाग होता है वो कौन सा, वो सबसे नीचे वाला भाग होता है। एंड इट इज फाउंड बिलो द ओशियंस, और ये कहाँ पे पाया जाता है, समुद्रों के नीचे पाया जाता है। कौन सा बच्चा है ये सब कर रहा है, इतने देर से मना कर दिया, तुम्हें समझ नहीं आ रहा। देखो द ओशियनिक क्रस्ट इज द लोअर क्रस्ट, समुद्र में पाई जाती है जमीन, वो सबसे नीचे वाली होती है, मिलती है समुद्रों के नीचे होती है, एज वेल एज अंडर द सेल, और चट्टानों के नीचे भी। इट इज कॉल्ड ऑल्सो कॉल्ड सीमा, इसको क्या नाम दिया गया है, सीमा। एंड इट इज मेड अप ऑफ सिलिकॉन एंड मैग्नीशियम, किससे बनी होती है, सिलिकॉन और मैग्नीशियम। अब देखो सिलिकॉन और एल्यूमिनियम से बनी थी उसको सेल बोल दिया, और सिलिकॉन और मैग्नीशियम से बनी है उसको क्या बोल दिया, सीमा बोल दिया। इट इज मच थिनर, ये बहुत ज्यादा बारीक होती है, विद एन एवरेज थिकनेस ऑफ अबाउट 7 किलोमीटर, और इसकी जो चौड़ाई या फिर हम यूं कह दे इसकी जो कितनी पतली होती है, 7 किलोमीटर की होती है इसकी चौड़ाई। इसके बाद आते हैं कॉन्टिनेंट्स, मतलब महाद्वीप, कितने महाद्वीप है हमारे, 7 कॉन्टिनेंट्स हैं, एशिया है, अफ्रीका है, यूरोप, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया।